आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर सिटी में। यहाँ पर कमर्शियल एरिया जो है बिल्कुल सील कर दिया गया है। जैसे कि हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए, ज़िला इंतजामिया की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए उस पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। बहावलपुर के कुछ एरियाज़ हैं जिनको सील कर दिया गया। आर्जी तौर पर एक हफ्ते के लिए बताया जाता है कि कमर्शियल एरिया मॉडल टाउन ए और दीगर जो एरियाज़ हैं उनको सील कर दिया गया। यहाँ पर टाइगर फोर्स जो मौजूद है, जो डोर टू डोर जो जाकर शॉप टू शॉप जाकर समझा रहे हैं लोगों को, मास्क के हवाले से बात कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो ड्यूटी दी गई है किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि फासला बरकरार रख के बात ठहरे हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताएंगे? ज़िशान अकील कुरैशी है और मैं टाइगर फोर्स का वाइस चेयरमैन देख रहा हूँ। अभी हमें इस सब की तरफ से ऑर्डर्स थे, तो हम लोग अभी, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट विजिट कर रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मुतालिक बता रहे हैं, उन्हें मास्क के मुतालिक बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। इसमें अभी जो हमारे अनाउंस एरियाज हुए हैं उसमें जहाँ भी हम खड़े हैं, कमर्शियल एरिया ये है, माल टाउन ए है, हाशमी गार्डन है और उसके अलावा सादिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। तो आपके तवस्सु से मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि काइंडली वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं, जैसे शॉप आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में शॉप बंद हो चुकी हैं, मार्केटें बंद हो चुकी हैं, सर ये कितने टाइम के लिए आपको प्रोसीजर दिया गया? अभी तो देखें ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, बट जो हमें भी टास्क दिया गया उसमें यही है कि हम लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। लोगों को ख़ुद भी अब अंदाज़ा है कि जो इसकी फ़र्स्ट वेव थी उसका जो रिजल्ट था, और अब जो सेकंड वेव है थोड़ी सी डेंजरस आ रही है, तो इस हवाले से भी लोग ख़ुद भी थोड़ा सा इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि वो खुद इन चीज़ों को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारी भी उनसे रिक्वेस्ट है, हम लोग भी उनको जाकर यही बता रहे हैं कि वो चीज़ों को ज़रा और बेहतर तरीके से करें ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी मिसअप यहाँ पर ना हो। बिल्कुल, लोगों के साथ यहाँ पर समझाया जा रहा है और लोग मौजूद हैं। भाई क्या कहेंगे अवेयरनेस के हवाले? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ज़िशान खटक है, मैं एज ए सीनियर सुपरवाइज़र देख रहा हूँ टाइगर फोर्स को। बेसिकली जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया भी है कि अभी हम SOPs पे अमल हमने दरामद करवाना है, तो उसके लिए टाइगर फोर्स जो है हम हर एरियाज़ में जा रहे हैं, लोगों को हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं और साथ में साथ बता भी रहे हैं कि अभी सोशल डिस्टेंस हमने किस तरह करवाना है, SOPs किस तरह हमने फॉलो करनी है, किस तरह मार्किंग करनी है, और जिन जिन शॉप्स का गवर्नमेंट ने बताया है कि अभी इनको आप बंद रखें, और उसके लिए उसमें हमारा ही फ़ायदा है, ये जो पेंडेमिक चल रहा है ये हमारा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरी भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि भी वो SOPs पे फॉलो करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बताए गए रूल्स पे जो है ना उस पर हम अमल दरामद कराएं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और लोग मौजूद हैं, इनके टीम का हिस्सा है, इनसे जानेंगे सर किस तरह लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, किस तरह समझा रहे हैं और ये जो एक हफ्ता चल पड़ा है रोकथाम का, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है ना ये आज अलाउ किया गया है कि जो जो इलाका जो है जिनके ऊपर उन्होंने लॉकडाउन लगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हमारी SOPs के तहत जो है ना हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है और जाके डोर टू डोर उनको अवेयरनेस देनी है। डोर टू डोर जाकर समझाया जा रहा है। बावलपुर से एक बार फिर आपको अपडेट देते चलें कि यहाँ पर कुछ एरियाज़ को सील कर दिया गया है AC साहब की जानिब से। जैसे कि हम कमर्शियल एरिया में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है ख़ास मखसूस टाइम तक के लिए, यहाँ पर समझाया जा रहा है। टाइगर फोर्स भी मौजूद हैं, उनका कहना था कि हमने और लोगों को डोर टू डोर जाकर समझाया, मास्क के हवाले से बताया जा रहा है कि मास्क सबसे पहले है, सबसे पहली तरजीह जो मास्क के ऊपर रखी गई है। यहाँ पर बताया जाता है कि मास्क के बगैर अगर कोई देखा जाएगा तो उसको लाजमी जुर्माना कर दिया जाएगा। बहावलपुर में ये एक जो चंद एरियाज़ हैं उसको मखसूस टाइम के लिए जो है उनको लॉकडाउन कर दिया गया है, एक हफ्ते का टाइम इनको दिया गया है कि यहाँ पर जो ख़ास एरियाज़ हैं जिसमें हम मौजूद हैं, कमर्शियल एरिया, मॉडल टाउन ए और तमाम दीगर जो यहाँ पर इलाके हैं उनमें बताया जाता है कि SOPs के हवाले से बात की जा रही है और यहाँ पर समझाया जा रहा है डोर टू डोर जाकर। आप भी अपने लोगों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अगर ज़रूरत है तो एक फ़र्द जाकर अपनी ख़रीदारी कर सकता है, सामान ले सकता है, मोटर बाइक पर जाने की भी एक सवारी की इजाज़त दी गई है। तो बहावलपुर से एक बार फिर आपको अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जिनको लॉकडाउन के अंदर बंद कर दिया गया है। जी।